गाइस, आप देख रहे हैं मेरा पाठशाला एजुकेशन। और मैंने इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने कराए थे, और क्योंकि मैंने देखा वहां पे अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है आप लोगों का, तो सोचा कि ना और क्वेश्चंस भी कवर किए जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्पेशली, क्योंकि क्वेश्चंस जो है मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आती है, क्योंकि थ्योरी क्या है वो आप समझ भी लोगे, उसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस जो है अपने सॉल्यूशंस को लिख भी दोगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने पेज नंबर 260 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, और इसमें आपको दो चीजें पता चलेंगी कि जब हम रजिस्टर्स को क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, या फिर रजिस्टर्स को हमें कब जो है सीरियल में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन जो आपका दिया था वो था, हाउ कैन द थ्री रेसिस्टर, तीन रेसिस्टर्स दिए हुए हमें, और उनकी जो रेसिस्टर्स दी है दैट इज 2 ओम्स की, 3 ओम्स की एंड 6 ओम्स की, कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स एंड 1 ओम्स। ठीक है, कि मतलब क्या है, आप एक सर्किट में क्या क्या है सब कुछ मिल जाता है, तो सर्किट में जब आप रेसिस्टर लगाओगे तो आपको ये बताना है कि उनको जब कनेक्ट करो तो इस तरह से कनेक्ट करना है कि उसका टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन बोलता है कैसे कनेक्ट करोगे इन रेसिस्टर्स को, कि टोटल रेसिस्टेंस 4 ओम आए या फिर कैसे, और दूसरा कंडीशन बोला है और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा टोटल रेसिस्टेंस क्या आना चाहिए, दैट इज 1 ओम आना चाहिए। क्लियर हुआ कैसे करना है? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आपको बताना है कि सर्किट में आपको ओवरऑल 3 क्या दे रखे हैं, रेसिस्टर दिए हुए हैं, अब बोलना है कि इन रेसिस्टर्स को आपने सर्किट में कैसे अरेंज करोगे कि आपके पास क्या है टोटल जो रेसिस्टर आएगा ना, रेसिस्टेंस आएगा, मतलब वो कितना आना चाहिए दैट इज 4 ओम्स, और दूसरा कितना आना चाहिए दैट इज 1 ओम्स आना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए कैसा है, याद रखिएगा हमेशा, अगर आपको रेसिस्टर ज्यादा निकालना है, अगर रेसिस्टेंस क्या निकालना है, ज्यादा निकालना है, तो उन रेसिस्टर्स को आप प्लीज सीरीज में कनेक्ट करिए। क्लियर हुआ? अगर आपको क्या कभी भी क्वेश्चन में कहा गया, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 4 ओम है, ये क्या है 1 ओम है, मैं बिल्कुल देखकर बता सकती हूँ कि ये 1 ओम सिर्फ तभी आ सकता है कि जब मैं इनको पैरेलली कनेक्ट करूंगी। क्लियर हुआ? तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कम लाना है ना रेसिस्टर, तो आप किसमें कनेक्ट करोगे, आप रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट। क्लियर हुआ? और अगर आपको ज्यादा लाना है रेसिस्टेंस पूरे के पूरे सर्किट का, तो उन्हें कैसे कनेक्ट करिए, सीरीज में। पर ऐसा भी हो सकता है कुछ पैरेलल में हो रहे हो, कुछ सीरीज में, क्योंकि अगर टोटल सीरीज में कर दोगे अल्टीमेटली इसका आंसर बहुत ज्यादा भी आ सकता है। क्लियर हो गया? तो आप वही देख लेते हैं। तो सबसे पहला मेरे पास है कि मुझे 4 ओम्स आना है, तो सोचो ये मेरे पास टोटल रेसिस्टेंस कैसे लिखते हैं सीरीज में, तो दैट इज आर सीरीज में इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। Now what is R1, what is R2 and what is R3? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेरा R1 है 2 ओम्स, R2 है 3 ओम्स एंड R3 है दैट इज 6 ओम्स है। क्लियर है? अगर मैं इसको पूरा का पूरा सीरीज में करके देख लो तो ये कितना होगा, बोलो R1 कितना लिया है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना होगा 3 प्लस कितना होगा 6, 6 प्लस 3 9 मतलब 9 हो गया, 9 प्लस 2 कितना होगा 11, तो ये 11 ओम्स तो बहुत ज्यादा है कि नहीं है, सोचो है कि नहीं, बिल्कुल अलग है। मतलब हम सबको सीरीज में नहीं कनेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या करें, कुछ को पैरेलल में कर देते हैं और कुछ बचे हुए को सीरीज में कर देते हैं। क्लियर हुआ? समझना कैसे है क्वेश्चंस को वो आप पहले समझिए, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सोचना है, और हमेशा जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका हर एक तरीका लगा के देखिए। क्लियर हुआ? इससे क्या होता है आपकी जो कह सकते हो थिंकिंग जो होती है ना वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी। ओके फाइन, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिए, अगर मैं क्या करूँ, इसमें से दो सर्किट, दो जो मेरे रेसिस्टर है मैं उसे दो को क्या करती हूँ, पैरेलल में कनेक्ट कर देती हूँ, और एक को क्या करूंगी सीरीज में कर देती हूँ। तो आप देखो, आप देख सकते हो मैंने यहाँ किया क्या है, दो को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है और एक को मैंने किसमें कर दिया है, सीरीज में। क्लियर हो गया? देखिए पैरेलल में हमेशा इस तरह से कनेक्ट रहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से आपको है उनको सीरीज ऐसे पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे आपके। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ये, और इसी तरह से सीरीज में कैसे कनेक्ट रहते हैं आपने पढ़ा होगा, मैंने इवन उस पर एक्सप्लेनेशन पे वीडियो भी डाली हुई है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी की जो चैप्टर अपना इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरह से कनेक्ट रहता है सीरीज में एक के बाद एक। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे हम इसे रेस कर देते हैं। अच्छा, तो कैसे करेंगे, मैंने बताया दो को हम पैरेलल में कर रहे हैं, वो दो रेसिस्टर कौन कौन से हैं, एक R1 और एक R2। ठीक है, सॉरी एक R2 है एक R3 है। ओके फाइन, तो हम वही कर ले रहे हैं, तो RP में मतलब क्या होगा आपके पास, तो RP को हम कैसे लिखते हैं, 1 ओवर में RP इज इक्वल टू 1 ओवर में R2 प्लस 1 ओवर में R3। मतलब सिर्फ हम दो को ही तो क्या कर रहे हैं, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करिए जरा, तो 1 ओवर में R2, व्हाट इज R2 हियर, 3 ओम, तो मतलब 3 हो जाएगा। ओके,
देन व्हाट इज आर थ्री, दैट इज सिक्स, इट मीन्स यहाँ पे सिक्स आ जाएगा. ओके फाइन, सो इसे थोड़ा सा कम कर देते हो. ओके तो अब देखिए सिक्स और थ्री का एलसीएम कितना आएगा, सिक्स. थ्री के टेबल में सिक्स कितनी बार बैठा, टू बार में. ओके टू, सिक्स के टेबल में सिक्स कितनी बार होगा, वन बार में. टू प्लस वन कितना आएगा, थ्री. थ्री बाय सिक्स मतलब कितना आ गया, वन बाय टू. तो अब देखिए आपके पास जो है वन ओवर में आरपी की वैल्यू कितनी आ गई है, आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज वन बाय टू. मतलब मेरे पास जो है आर की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज क्लियर हो गया, कितने आ गए, टू. ये कैसे हुआ है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा. देखिए ये मैंने क्या लिखा था, आरपी लिखा था ना, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, वन बाय टू. तो देखिए टू इधर चला जाएगा, आरपी इधर आ जाएगा, तो टू इज इक्वल टू क्या होगा, आरपी हो जाएगा. क्लियर हो गया कैसे आ गया आरपी इक्वल टू टू, गॉट इट. ओके फाइन, अब मैं इसे रेस कर देती हूँ. और मैंने क्या किया, इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस निकाला है वो कितना आ गया मेरा, टू आ गया है. अच्छा सोचिए अब ये और ये कैसे कनेक्ट है, सीरीज में है ना, देखिए ऊपर नहीं है ये, सीरीज में है. तो अब हम उसे करेंगे, तो अब मैं इसे रेस कर देती हूँ, इस पोर्शन की मुझे जरूरत नहीं है. ओके तो आप देखिए जो आर एस है, आर एस कितना होगा, सीरीज में कर रही हूँ तो वो कौन सा हो गया मेरे पास, जो मैंने दो पैनल में किए थे, मतलब ये वाला और ये वाला. तो अब मेरे पास कितना होगा, दैट इज टू पैनल. एक तो जो मैंने पैनल में कनेक्ट किया था, और पैनल में कनेक्ट करने के बाद टोटल रेसिस्टेंस कितना आया था, बोलो, टू आया था. तो ये मैंने टू लिख दिया. अच्छा इसको मैंने क्या, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया है सीरीज में, मतलब इसे भी क्या लिखूंगी, टू. क्योंकि सीरीज में कैसे करते हैं हम लोग, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन आर एन, जितने भी होंगे सीरीज में उसको इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं. क्लियर हुआ. तो दोनों को अगर प्लस करोगे तो टू प्लस टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू फोर ओम्स. तो देखिए हमें यही तो चाहिए था, बोला था ना कि आपको जो है ये तीन जो रेसिस्टर दिए हैं इनको किस तरह से कनेक्ट करोगे कि इनका टोटल जो रेसिस्टेंस आए दैट इज इक्वल टू फोर ओम्स आए. तो अभी मैंने आपको बता दिया मैंने दो रेसिस्टर को क्या किया है, किसमें कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, और उसका एक किसमें कर दिया है, सीरीज में. तो पैरेलल वाला पहले निकाला और उसका जो आंसर आया उसको दूसरे वाले के साथ प्लस कर दिया, तो कितना आंसर आ गया, फोर ओम्स. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब मुझे क्या लाना है, बोलो, वन ओम्स लाना है. तो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत छोटा अगर आंसर आ रहा है तो क्या करो, सबको पैरेलल में कर दो. क्लियर हुआ. तो क्या करना है, सबको पैरेलल में, अब मैं इसे रेस कर देती हूँ. और सबको अगर मैं पैरेलल में करती हूँ, इसका मतलब करके देखिए, वन ओवर में आर पी इज इक्वल टू वन ओवर में आर वन प्लस वन ओवर में आर टू प्लस वन ओवर में आर. ठीक है, क्लियर हुआ. ओके फाइन, तो आप देखिए वन ओवर में आर वन, आर वन कितना था, टू, प्लस वन ओवर में आर टू थ्री, वन ओवर में आर थ्री सिक्स. ये देखिए ना, आर वन आर टू आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री. अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, सिक्स आ गया. टू और थ्री और सिक्स का एलसीएम कितना आएगा, सिक्स आएगा. ठीक है, तो एक ट्रिक की वीडियो लाऊंगी मैं आप लोगों के लिए कि एलसीएम को भी कैसे आप मतलब बिल्कुल को देख कर ही आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो अब पहले हम इस पर देख लेते हैं. तो देखिए टू पे, टू के टेबल में सिक्स कितनी बार में आएगा, थ्री बार में. तो इसे थ्री से करेंगे तो थ्री वन सा कितना आएगा, थ्री. थ्री के टेबल में सिक्स कितनी बार में आएगा, टू बार में, मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे टू, तो कितना आएगा, टू. प्लस सिक्स के टेबल में सिक्स कितनी बार में आएगा, वन बार में, तो कितना होगा, वन. वन इंटू वन कितना होगा, फाइव. तो मतलब कितना आ गया, देखिए तीन प्लस दो कितना होगा, पांच. पांच प्लस एक कितना होगा, छह. सिक्स प्लस सिक्स कितना होता है गाइस, वन आता है. तो कितना आ गया, वन ओम्स. क्लियर हुआ. मतलब कि अगर हम इन तीनों को ही किसमें कनेक्ट कर लें, पैनल में कनेक्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, वन ओम्स आ जाएगा. तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर आपको ये बात समझ में आई होगी कि पहली बात ये क्या चीज है, ये टोटल रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, टोटल सर्किट में रेसिस्टेंस की बात कर रहा है. तो इसलिए और हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा चाहिए रेसिस्टेंस लाना है तो उन्हें सीरीज में कनेक्ट करिए, और अगर कम लाना है तो उन्हें पैनल में कनेक्ट करिए. ठीक है गाइस. और अगर आपको ये पैनल और सीरीज के बीच में डिफरेंस समझना है तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट करिएगा. आई मस्ट ब्रिंग अ वीडियो ऑन पैनल एंड जो है सीरीज के बीच में जो डिफरेंस के बेस पे रहेगा. ठीक है गाइस. सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें.